अर्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे में ट्रैवल करने के लिए हमें 22 से 23 घंटे का समय लगता है, वो भी फ्लाइट से। तो क्या हो अगर हम अर्थ के आर पार ड्रिल कर लें और एक सुरंग बना लें? कितना ज़्यादा हमारा समय बच जाएगा। क्या आपके दिमाग में भी ऐसा ख्याल आया कि भाई पृथ्वी के आर पार अगर हम छेद करके ट्रैवल करें तो हमारी ट्रिप कैसे रहेगी? सो लेट्स स्टार्ट इट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अंकित। एक्चुअल ठंडा में बात करते हैं कि अर्थ के आर पार छेद करके अगर हम ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते, और अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसी होगी हमारी ट्रिप और हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ख्याल अक्सर हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी तो ज़रूर आ जाता है। तो भाई इसके आंसर के लिए सबसे पहले अब हम सारी चीज़ों को साइड में रख के ये देखते हैं कि भाई पृथ्वी की रेडियस कितनी है। तो मैं आपको बता दूँ, अर्थ की रेडियस है 6371 किलोमीटर। फिर भी मान लीजिए अगर आप किसी भी हालत में ड्रिल कर लेते हैं और अगर आप उस गड्ढे में कूदते हैं तो थोड़ा नीचे मतलब कुछ किलोमीटर जाने के बाद ही आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये होगा कोरियोलिस इफेक्ट के कारण। अब ये इफेक्ट मैं अभी आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। बचपन में मैरी गो राउंड में तो सभी बैठे होंगे, तो मान लेते हैं भाई अभी हम एक मैरी गो राउंड में बैठते हैं जो ईस्ट वर्ड साइड में घूम रहा है। तो कभी उसमें बैठ के ये ट्राई ज़रूर करना कि आपके सामने वाले व्यक्ति को एक बॉल फेंक के देना। आप देखोगे कि बॉल उस तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि बॉल अपने ओरिजिनल पाथ से हटकर राइट मुड़ जाएगी। यही होता है सिंपल शब्दों में कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ही इक्वेटर लाइन के ऊपर मतलब नॉर्दर्न साइड में अगर आप लंबी दूरी में कोई चीज़ ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो वो राइट मुड़ जाएगा, और ऐसे ही इक्वेटर लाइन के नीचे मतलब साउदर्न साइड में अगर आप कोई चीज़ फेंकोगे तो वो लेफ्ट मुड़ जाएगी। अब साइक्लोन रोटेशन को लेकर भी आपको एक मज़ेदार फैक्ट बताता हूँ। आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा, और नहीं किया हो तो मैं आपको बता दूँ कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन्स आते हैं वो हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज होते हैं, और ऐसे ही जो साउदर्न हेमिस्फेयर में जो भी साइक्लोन्स आते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। तो ये साइक्लोन रोटेशन कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ही होते हैं। तो आपको बता दूं, अगर आप इस गड्ढे में जंप करेंगे तो आप कुछ किलोमीटर नीचे जाके ईस्टर्न साइड में कहीं किसी चट्टान में या सुरंग में टकरा जाएंगे। ऐसा होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी में 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है ईस्टवर्ड साइड में। तो सारी फिजिक्स को साइड में रख के एक मजेदार एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं और वो इक्वेटर लाइन में आता है, और आप एक घंटे के लिए किसी कंडीशन में ऊपर कूद जाते हैं आसमान की तरफ, और आप स्थिर एक घंटे तक उसी कंडीशन में बने रहते हैं, और जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि भाई पृथ्वी ईस्टवर्ड साइड घूम चुकी है, और आप जहां लैंड करेंगे वो अफगानिस्तान या पाकिस्तान की बॉर्डर में कहीं पे बीच में लैंड करेंगे। तो जो पृथ्वी की अपनी धुरी की स्पीड होती है वो इक्वेटर लाइन में सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम पोल्स के पास जाते जाते हैं ये स्पीड कम होते जाती है। तो सबसे पहले हमें कोरियोलिस इफेक्ट से ही निपटना होगा। तो इसके लिए हमें अर्थ के पोल के साइड में ड्रिल करें तो इससे हम लगभग अवॉइड कर सकते हैं। और मान लीजिए अब हम यहाँ पे एक आइडल कंडीशन मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन नहीं लगता है। उस कंडीशन में जब आप होल्ड करेंगे और उसमें कूदेंगे तो आप 3000 किलोमीटर तक 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे आओगे। उसके बाद जब आप आउटर कोर के पास 13 मिनट में पहुंच जाओगे, और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते आपकी ग्रेविटी 10% बढ़ चुकी होगी। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, ये नॉर्मल ग्रेविटी से 10% ही ज़्यादा होगी। और अब जब आगे आगे बढ़ते आप जब अर्थ के सेंटर में पहुंच जाओगे तब तक आपकी स्पीड 35,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो चुकी होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ होगी, अर्थ के मास की ग्रेविटी आपको चारों तरफ से बराबर खींचेगी, ऐसे में जो ग्रेविटी होगी टोटल वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और आप अर्थ के सेंटर में पहुंच के फ्रीली रोटेट कर पाओगे जैसे कि आप स्पेस में करते हो। अब आप जब सेंटर को पास करोगे मतलब सेंटर से आगे निकलोगे तो वापस पुरानी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो आपको बता दूं, आप एक कोने से जब कूदेंगे तो आपको दूसरे कोने में पहुंचने के लिए 38 मिनट का समय लगेगा, और अगर आप ऐसी कंडीशन में दूसरे कोने से बाहर निकल जाते हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो अर्थ के बीच में आप एक पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रह जाओगे कंटिन्यू, जब तक आप किसी कोने में पहुंच नहीं जाते। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको अच्छा खासा इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि रास्ते में आपको एक्सट्रीम स्पीड के साथ साथ एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम प्रेशर का भी सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको स्पेस रॉकेट और स्पेस सूट जैसा ही कोई सूट और रॉकेट डिज़ाइन करवाना होगा जो ये सारी चीज़ों को आसानी से झेल सके। सो फाइनली क्या ये पॉसिबल है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अर्थ की रेडियस अप्रॉक्स 6371 किलोमीटर है। अप्रॉक्स इसलिए क्योंकि अर्थ एकदम राउंड नहीं है,
इसलिए हर जगह पे इसकी रेडियस अलग अलग हो सकती है। समुद्र की गहराई से इसकी रेडियस अलग होगी और पृथ्वी की भूपरपटी से इसकी रेडियस अलग होगी। और अभी तक इंसान के द्वारा खोदी गई सबसे लंबी ड्रिलिंग कोला सुपर डीप बोर होल है और ये रशिया में है। और आपको बता दूं ये मात्र 12 किलोमीटर लंबी है, मतलब दिल्ली से गुड़गांव की आधी दूरी से भी कम। मतलब टोटल रेडियस का इंसान आज तक बस 0.1% ही खोद पाए हैं। 12 किलोमीटर के बाद इनके ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स पिघलने लग गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया था। और मान लीजिए अगर आप इस होल में गिर जाते हैं तो क्या होगा? डोंट वरी, ये सिर्फ होल 9 इंच चौड़ा यानी 23 सेंटीमीटर ही चौड़ा है और इसको अभी बंद कर दिया गया है। सो फाइनली क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अर्थ के कोर बहुत ज़्यादा गर्म है और इनर कोर तक पहुँचते ये जो टेम्परेचर है 7000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पहुँच जाता है, जहाँ पे पिघली हुई हालत में आयरन और निकल अवेलेबल है और इनकी वजह से ही हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो क्या हो अगर पृथ्वी में मोल्टन आयरन और निकल ना हो और ये गर्म पिघला भाग अगर जम जाए तो क्या होगा? इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसका आंसर चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर ज़्यादा क्वायरी आएगी तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो तब तक वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करके हम ये यूनिक कॉन्टेंट लाते हैं। और शेयर ज़रूर कर देना अपने उन दोस्तों को जिनके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही टेक एंड फैक्ट से रिलेटेड मज़ेदार वीडियोज़ आपसे कहीं मिस ना हो जाएं। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।